अंडर 19 वर्ल्ड कप के स्टार रहे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मंजोत कालरा को एज फ्रॉड के चलते उनके रणजी ट्रॉफी खेलने पर एक साल का बैन लगा दिया गया है। वो अगले दो साल तक एज ग्रुप मैचेस में भी नहीं खेल पाएंगे। ये वही मंजोत कालरा है जिन्होंने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में शतक जड़ा था। उन पर यह बैन DDCA के ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल रिटायर्ड जस्टिस दोरेज अहमद ने लगाया। गजब की बात यह है कि उन्होंने ये ऑर्डर अपने लास्ट दिन रात को 11:30 बजे पास किया। अब मंजोत कालरा की अपील तभी सुनी जाएगी जब नया लोकपाल अपॉइंट होगा। इसी सेम एज फ्रॉड के केस में दिल्ली सीनियर टीम के वाइस कैप्टन और IPL स्टार नीतीश राणा को अभी के लिए ये कहकर छोड़ दिया कि उनको एज फ्रॉड प्रूव करने के लिए और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक और अंडर 19 और IPL स्टार तेज गेंदबाज शिवम मावी भी एज फ्रॉड केस को झेल रहे हैं। सबको ये बात गले नहीं उतर रही है कि एज फ्रॉड के लिए किसी को रणजी मैचेस खेलने से कैसे रोका जा सकता है। फिलहाल दिल्ली की टीम में शिखर धवन की जगह वैभव कांतपाल को लिया गया है। इस जगह के मंजोत कालरा प्रबल दावेदार थे। बेचारे मंजोत कालरा। कमेंट सेक्शन में अपने विचार व्यक्त करें और क्रिकेट की लेटेस्ट और हॉटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ और इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।